दोस्तों करीब एक दशक पहले जब शादी में बारात जाती थी तो उसमें नौटंकी नाच का काफी प्रचलन था। नौटंकी नाच में एक करिंगा हुआ करता था जो दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए जुमले छोड़ता था। ऐसा ही जुमला आज के समय में खद्दरधारी दर्शकों को लुभाने के लिए छोड़ते हैं और सुहेल देव समाजवादी पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को तो इसमें महारत हासिल है। यूपी के हरदोई में ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। राजभर ने कहा कि हम भगवान शंकर के पुजारी हैं और मेरी पार्टी के झंडे का रंग भी पीला ही है। अगर मैंने श्राप दे दिया तो अखिलेश यादव को पीलिया हो जाएगा और यह पीलिया तब तक नहीं ठीक होगा जब तक वो सुभाषपा का झंडा नहीं पकड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने तंज कसा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी को तकलीफ हुई है या किसी को बीमारी ने पकड़ लिया है तो उसका नाम समाजवादी पार्टी है। राजभर ने चेतावनी दिया कि अखिलेश यादव जी कान खोल कर सुन लो, तुमने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना, नहीं तो मन बनाकर यदि मैंने श्राप दे दिया तो आपको पीलिया हो जाएगा और यह पीलिया तब तक नहीं ठीक होगा जब तक आप हमारी पार्टी का झंडा नहीं पकड़ोगे। अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि ये तो जब मुसलमानों के भी नहीं हुए और चार बार सरकार बनी, सामाजिक न्याय की बात करते हैं और सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव ही आता है, चार बार में अलग अलग जात का मुख्यमंत्री बना देते तो मैं मानता कि आप सामाजिक न्याय की बात करते हो। सामाजिक न्याय की बात करने वाले एक ही जात के लिए काम करोगे। तो दोस्तों जब से ओम प्रकाश राजभर इस बार भाजपा में शामिल हुए हैं तब से उनकी और अखिलेश यादव में जुबानी जंग जारी है। सदन में भी एक बार अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर में जुबानी तीर चले थे जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खूब चटकारा लिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अमित तिवारी को इजाजत दीजिए, फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।